बात करते हैं आज हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइनेप्स के बारे में बात की और ये देखा कैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा मैसेज का ट्रांसफर होता है। आइए अब बात करते हैं एक एक न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। दिक्कत होती है दो न्यूरोन के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, और उस साइनेप्स के थ्रू मैसेज के ट्रांसफर के लिए, मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए जिस खास केमिकल की जरूरत होती है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि उस गैप के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जिस गैप के थ्रू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आइए बात करते हैं डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी इफेक्ट डालते हैं नर्व पे, न्यूरॉन पे, जो कि फाइनली एक एक्साइटेटरी इफेक्ट डालता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं। जनरली होता यह है कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक साथ काम करते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों की जरूरत पड़ती है, बिना उसके गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम भी बिना इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के वर्क नहीं कर सकता। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाता है एनी केस तो हमें बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है तब भी हम बीमारी का शिकार हो सकते हैं। देखिए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर करता क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ पोस्टसाइनेप्टिक सेल्स, पोस्टसाइनेप्टिक सेल्स में डीपोलराइजेशन करता है और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जैसे एसिटिल कोलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन की बात हम लोग कर चुके हैं एक्शन पोटेंशियल के टॉपिक में, वहां जाके इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन करता है टारगेट सेल में, जिससे कि उनका एक्शन इनहिबिट होता है, कंट्रोल में आता है। जैसे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, वो क्या करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कम करता है, इनहिबिट करता है, तो इसको क्या कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिलीज होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड्स के लिए रिलीज होते हैं, और उसके बाद होता क्या है या तो वो किसी एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं या वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। इसमें सबसे पहले नाम आता है एसिटिल कोलिन की। ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि खास तौर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और जनरली पूरे नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। मुख्य कार्य इसके जो हैं वो हैं आपके मसल स्टिमुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता है। दूसरा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड। ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ज़्यादातर जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है इसी ग्लूटामेट के थ्रू ही होता है। अप्रोप्रिएट ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि ज़्यादा अगर होने लगे किसी तरीके से तो एक तरीके से एपिलेप्सी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में मिर्गी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ये भी एक तरीके का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में रिलीज होता है और जो हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन में उसके लिए प्रिपेयर करता है, ब्लड को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे या तो इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है। हार्ट रेट क्यों बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुँचे। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ाता है कि जैसे पेरीफेरी तक एंड तक हमारा छोटे छोटे कैपिलरीज तक भी अच्छा ब्लड, अच्छी तरीके से ब्लड की सप्लाई हो सके। ग्लूकोज प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाता है क्योंकि फाइट और फ्लाइट किसी भी कंडीशन के लिए हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत होगी, या तो लड़ें या भागें, ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन, ये भी एक तरीके से एक्साइटेटरी का काम करता है, जैसे कि हमारा गहरी नींद से एकदम जागने के लिए अराउजल, ड्रीमिंग और मूड को रेगुलेट करने में इस न्यूरोट्रांसमीटर का बड़ा रोल है। देखिए एक एक न्यूरोट्रांसमीटर को आप ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और नाम सबके आपको याद रखने ही है,
जो कि आगे चल के और भी काम आएंगे। देखिए हिस्टामिन, ये भी एक तरीके का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। डोपामीन, ये भी डोपामीन का एक खास तौर से इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों ही काम होता है जैसी ज़रूरत पड़ती है। देखिए डोपामीन एक्टिव रहता है जबकि इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए, एडिक्टिव बिहेवियर्स, प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस, जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की लत पड़ती है उसमें भी डोपामीन का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा डोपामीन हेल्प करता है मसल टोन को रेगुलेट करने में। मसल टोन आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीधे खड़े हो और आपकी गर्दन सीधी है तो इसका मतलब वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तभी वो आपकी गर्दन सीधी खड़ी हुई है। मसल टोन कहते हैं कि जब एक छोटी कम क्वांटिटी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग मसल टोन। दूसरी चीज, डोपामीन लेवल एक ऑप्टिमम जब डोपामीन लेवल रहता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में तो हम मोटिवेट रहते हैं। अब आगे बात करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। इसमें सबसे पहले नाम आता है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड्स, इसका फुल फॉर्म है गाबा का, ठीक है। ये सबसे पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये अपना काम करता है क्लोराइड आयन को, क्लोराइड चैनल को खोलकर और सेल के अंदर क्लोराइड आयन को ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि सेल के अंदर की निगेटिविटी बढ़ जाती है, जो कि फाइनली क्या काज करता है, हाइपर पोलराइजेशन। बात करते हैं अब सीरोटोनिन की, जो इन्वॉल्व होता है सेंसरी परसेप्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, मूड को कंट्रोल करने में, भूख लगने पे, और स्लीप इंडक्शन में हेल्प करता है। फाइनली बात करते हैं हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की। डोपामीन इनहिबिटरी एज वेल एज एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी कार्य करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर न्यूरोट्रांसमीटर। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक अच्छे नोट साबित होंगे और इनको आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।